मेरे सुनीता ठाकुर, हमारे यहाँ के जो आलू राजमा वगैरह बहुत फेमस है, टफ फिश तो बहुत ही फेमस है यहाँ के। हम जा रहे हैं ब्रूट वैली और मेरे साथ मेरे दोस्त है जो बैंगलोर से और एक हैदराबाद से आया है। हेलो, ये करण है। हाय। ये स्पेशल हमें ज्वाइन करने आया है हैदराबाद से। इधर विकास है, हमारा एक और फ्रेंड है जो यहाँ का लोकल है, उसको हम पिक करेंगे रास्ते में। देखते रहिएगा, बड़ी बढ़िया वीडियोज आ रही है। तो ये हमारा ग्रुप है, करण, विकास, मैं और संजय जी। तो जोगिंदर नगर हम पहुंच चुके हैं, ब्रॉड वैली यहाँ से 35 किलोमीटर है दोस्तों। ट्राउट फिश का मजा लेंगे वहाँ पहुंचने के बाद। तो हम ब्रूट पहुंच चुके हैं और हमारी वापसी भी पहुंच चुकी है हमारे साथ। ये हमारा गेस्ट हाउस है, यहाँ की जो फिश है कहते बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मेरे दोस्त 3 किलोमीटर नीचे फिश लेने गए हैं, रिवर में से साथ के साथ पकड़ के देते हैं। विकास, टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना? 2 डिग्री है, 2 डिग्री दोस्तों इस समय टेम्परेचर है यहाँ पे। और इससे ऊपर अगर हम चले जाए तो बर्फ भी पड़ चुकी है। गैस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ट्राउट फिश, तो उसमें सिर्फ एक कांटा होता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। ये कौन फोर है? कौन फोर भी हो जाएगा, मतलब ये फिश का जो अभी हम इसमें नींबू डाल रहे हैं। ये क्या जा रहा है? हींग है, हींग। धन्यवाद। ये गरम मसाला डाल रहे हैं अभी। तो ये रेड मिर्ची हमने मिला दी है, जैसे कि आप देख रहे हो, इससे कलर भी अच्छा आएगा और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। अभी ये हाफ फ्राई है, उसके बाद इसमें मसाला लगाया जाएगा, उसके बाद फिर इसको फिर फ्राई किया जाएगा। तो अब हमारी फुल फ्राइड हो गई फिश। का कांटा होता है दोस्तों, इससे बैक बोन का दर्द खत्म होता है। जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ है। तो मैं आज ट्राई करूंगा। तो मेरी ट्राउट फिश रेडी है, मैं अपना होटल जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे हिमाचल के जो फ्रेंड्स मिले हैं। ओके, ये दोस्तों ब्रॉड वैली की मार्केट है, हॉस्पिटल भी एक सरकारी। पंजाबी तो लिए खुशखबरी, पंजाबी ढाबा भी है इतने, तो बढ़िया सी आइटम रखी है। तो आपको ये रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, ऊपर से ना सुंदर सा बना रखा है।
और ये अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ब्रोट। बड़ा शांत एरिया है। इस टाइम से तुसी आओगे बिल्कुल थानों कोई रश नहीं, कोई टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है। ये मैंने देखी है ना, इसमें मच्छियाँ तैयार की हुई है। जो देवी देवता को पूजा नहीं करते उसका थोड़ा मुझे बता दो कि क्या स्थिति है इसका। ऐसा है, हम जो भी काम करेंगे वो देव देवता के बिना पूछे नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनकी राय लेंगे, जो बताएंगे उसी के आधार पर सारे काम जो डिपेंड करेंगे। अच्छा, तो देवी देवता खुद बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल, और आपका जो जितने काम होगा बिल्कुल शुभ हो जाएंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी आनाकानी करेंगे, आगा पीछा कर देंगे, कोई टोक टुकाई करेंगे, जैसे किसी को टोक दिया जा रहा, नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन जो देवते ने बताया वो वैसे ही होगा। अगर नहीं करेंगे ना फिर वो सजा का हकदार हो गया। अच्छा, वो सजा का हकदार हो गया, उसको कोई ना कोई सजा मिलनी है। हाँ, या तो वो बिस्तर में पड़ेगा या फिर टांडा हॉस्पिटल जाएगा। जो यहाँ जितने हमारे लोकल है एरिया, ये देवताओं के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, और देवताओं के आधार पर ही मतलब इनकी बारी बरकत हर एक चीज का फायदा है, हर एक चीज। बिल्कुल, यही रीजन है कि सभी देवभूमि तभी बोला जाता है ना। देवभूमि यही देवता का भूमि है। बिल्कुल, जितने देवते यहाँ हिमाचल में है जितने आपको कहीं नहीं, ये है इधर है। शिमला से चले जाओ आप, ठियोग ठियोग से चले जाओ कोटखाई, कोटखाई से चले जाओ रोहड़ू, रोहड़ू से चले जाओ रामपुर, रामपुर से फिर ये चले गया रोड अपने लेह लद्दाख। ओके, लद्दाख। हाँ जी, यहाँ सारे काम जितने भी देवता के आधार पर चले। हिमाचल आओ, मेरी सारों से दरख्वास्त है कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखो, देवभूमि है, ठीक है, अपना एक श्रद्धा और आस्था यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। शोर मत मचाओ, पहाड़ है भाई, देवता वास करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखो स्पेशली। क्यों अंकल जी? बिल्कुल, और यही रीज़न है कि अंकल जी यहाँ पे लोग दरवाजे खुले छोड़ के चले जाते हैं, चोरियाँ नहीं होती, क्राइम बहुत कम है हिमाचल में। हाँ, चोरी नहीं होगी, कोई बदमाशी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग जी, फिर आज हमने ना चाय चूय पी ली सुबह सुबह ना, स्टील के गिलास में पी, कप में तो ला कराते हैं ना ऐसी हो जाती है वो ठंडी, स्टील के गिलास में मंगाई आज। तो सुबह हो गई है, धूप निकल गई है बड़ी तेज, अभी फिर हम वापसी का कर रहे हैं प्रोग्राम, बस लास्ट डे एट ब्रोट PWD रेस्ट हाउस। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया, आप दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे डाइनिंग हॉल है अंदर ना, खाना वगैरह खाया हमने, तो यहाँ पे हमारा था स्टे। चलिए जी, जा रहे ऑन द वे, आगे चल रहा है काम।